नमस्कार दोस्तों, तो जैसा हो चुका है आपका पूरा फिजिकल और अब बारी है मेडिकल की। तो मेडिकल के कुछ लोगों ने क्वेरी की और बोला कि एक अपडेटेड वीडियो लेके आए, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो थी वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी थी। तो सबसे पहले आपको मेडिकल, अगर आपका मेडिकल की क्वेरी है तो मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वीडियो मेडिकल पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 2, मेडिकल पार्ट 3, वो देखेंगे तो उनका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया उसको थोड़ा लेस करने वाला हूँ। तो अभी जैसा SSC GD का मेडिकल चल रहा है, तो कुछ लोगों को लगता है कि UP पुलिस का भी सेम होगा। GD में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल मेडिकल होता है, ऐसा UP पुलिस में नहीं होता, या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, हम जो देते हैं वो डेमो रिप्रेजेंटेशन है, और उसके बाद हम डॉक्टर नहीं है, वी आर जस्ट एडवाइज़र, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। कि आप अपने गांव में किसी बंदे से, जैसे कोई बंदा आपके गांव में पुलिस में है तो आप बड़े भैया मान के उससे सलाह लेते हैं, तो उस टाइप के एडवाइज़र हैं। फाइनल क्लेम तो डॉक्टर ही करेंगे वहाँ पे कि आपका कुछ अगर कोई दिक्कत है तो मैं कमेंट में उसको अगर जवाब दे दिया तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी एडवाइस फाइनल नहीं है, डिसाइड डॉक्टर ही करेंगे। तो वो जब पार्ट 3 आप देखेंगे उसके बाद, उसमें मैंने दिखाया कि ऐसे सिर वगैरह पूरा मैंने नीचे तक बताया। तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो है आपके आइज, टीथ और आपके ईयर्स, और आपकी कोई भी बोन ब्रेक नहीं है, और नीचे जाएंगे तो नोकनी नहीं है और फ्लैट फीट, वो सब उसमें डिटेल में दिखाया। अब उसमें एक्स्ट्रा क्या दिखाया, उसमें मैंने एक्स्ट्रा बताया कि आपका मुंह खोल के उसमें टॉर्च लगाते हैं। तो अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके से मेडिकल होता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया तो गलत बता रहा, मैं गलत नहीं बता रहा। हमारा मुरादाबाद में कम से कम 6 से 7 डॉक्टर्स की टीम थी, इस बार 3-3 डॉक्टर का सिर्फ पैनल था। अब आपका जो मेडिकल होगा उसका नोटिफिकेशन कैसा है, कितने डॉक्टर की टीम रहेगी, तो इसलिए उसमें फुल कवर किया है। लेकिन लोगों ने ज़्यादातर क्वेरी उठाई कि दांत में मेरी एक डाढ़ खराब है, 2 डाढ़ खराब है। मैं करूँ आपके चारों डाढ़ भी खराब हैं, और दांत में हल्का फुल्का पायरिया भी लगा है, गुटखा वगैरह खाने की आदत है, तो हल्का फुल्का पायरिया लगा है, तो उससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप रिजेक्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब बात आती है कान की, कान में आप साफ करवा के तो जाएगा। कुछ लोगों ने क्वेरी करी कि मेरे कान में पर्दा है। अब मतलब कान में पर्दे में प्रॉब्लम है, छेद वगैरह बताते हैं, तो वो जो फाइनल डिसीजन लेंगे डॉक्टर लेंगे। आँख में फाइनल डिसीजन लेंगे डॉक्टर लेंगे। नॉर्मल और जो इंटरनल चेकअप्स हैं, इंटरनल चेकअप जैसे कुछ बोलते हैं, यूरिन चेक होता है क्या, BP चेक होता है क्या, मतलब ये सारी जो इंटरनल है, BP, शुगर, ये कुछ भी चेक नहीं होता है UP पुलिस मेडिकल में अब तक। नेक्स्ट पे क्या होगा, वी कैन नॉट क्लेम ऑन दैट। तो जो वो पूरी एक्सटेंड वीडियो बताई थी, क्या एंगल रहेगा, ये सब डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो मेनली ये है कि दांतों में और कान में। अब यहाँ पे मैं आपके बड़े भाई के रूप में एडवाइस देता हूँ, ये एडवाइस काम करे या ना करे। देखिए, अगर आपकी आईज में, जैसे हमारी आईज में टॉर्च लगा के देखी थी, तो कुछ बहुत सारे कमेंट्स में है कि लेसिक अलाउ है क्या। लेसिक बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेसिक अलाउ मेडिकल में हो कैसे जाएगी। अब बात है कि आप अपने ऊपर रिस्क ले रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करेंगे। आपका अपना रिस्क है कि लेसिक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, हमारी तरफ से बिल्कुल क्लेम नहीं है कि अलाउ है या नहीं, हम किसी में एडवाइस नहीं दे पाएंगे। बट इतना है कि आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत काम आता है। तो अगर आपका जैसे आईज है, इसमें उसने टॉर्च लगाई और टॉर्च लगा के पूछे कि आँख का ऑपरेशन हुआ है क्या, और सपोज कि कोई लेसिक करा के गया है, हमें तो पता नहीं है करा के या ना, हम एडवाइस करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत, मतलब हर लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कॉन्फिडेंस आपका काम आता। तो आप सपोज करिए कि हमने लगवाई ही नहीं है, हमने कराया नहीं है, और उस टाइम पे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आँख का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो आपका क्या जवाब होगा। जब हुआ ही नहीं है तो आपका ये जवाब होगा, सर आज तक इतनी सी लेज़र क्या, कोई मतलब आँख की तरफ कोई पर्चा भी नहीं बना मेरा हॉस्पिटल में जाके, आप कह रहे हो कि आँख का ऑपरेशन हुआ है। वैसे ही कान का है, अगर आपको लगता है, आपको लगता है कान में कुछ डाउट है, तो आप वहाँ पे घबराए से बैठे रहेंगे, ये आपको लग रहा है, डॉक्टर को तो पता नहीं है डाउट है नहीं है। अब टॉर्च लगा के डॉक्टर पता नहीं, शायद टॉर्च लगा के चेक भी ना करे, जो कैसे हियरिंग चेक होती है वो मशीन के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो देख के तभी ये वीडियो देखना। तो अगर बाई चांस वो टॉर्च लगा के चेक करने लगे कान को और पूछे कान का ऑपरेशन हुआ क्या, अब आप सपोज करिए अगर नहीं हुआ होता, आप जो घबरा रहे हैं, अगर नहीं हुआ होता तो घबराते क्या, आप कॉन्फिडेंटली ये कह देते कि सर आज तक कान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ऑपरेशन किस बात का। तो यही आंसर, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, प्रॉब्लम है भी तो आपको फेस करना है, सर आज तक क्या बात कर रहे हो, सर इसके कान से रिलेटेड आज तक मेडिकल का पर्चा नहीं बना मेरा कहीं भी जाके, जब प्रॉब्लम होगी तभी तो। तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, एक डॉक्टर को सोचने में मजबूर कर देगा कि लग रहा है लेकिन शायद सही कह रहा बंदा, ये जब सुनाई जा रही है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली इसको लेना है। नौकनी
मैंने बताया कान आँख, वो भी नॉर्मल अगर आपकी हैं, इतना एक्सटेंडेड नहीं है, आप नेचुरल है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। दांत में अगर आपके चार डाड़ भी खराब हैं तो चारों डाड़ से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएससी सीपीओ के मेडिकल में एक बंदे की चारों डाड़ खराब थी, दो ऊपर की दो नीचे की और इस तरफ भी इस तरफ भी, और सीपीओ के मेडिकल में एक एक दांत का पॉइंट लिखा जाता है, वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, और वहाँ पर उसको रिजेक्ट नहीं किया था। और यहाँ तो कई सेंटर्स पर तो दांत चेक भी नहीं हुए, ना हो वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर्स को अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं चेक, लेकिन बहुत सेंटर्स पे दांत चेक ही नहीं होते। तो ये है कॉन्फिडेंस, डरना नहीं है, डर डर के तो आप अपनी सेहत ख़राब कर रहे हो। वैसे ही अगर आपकी, अब बात करते हैं जैसे पूरा ये नीचे तक अगर हम देखें तो पूरा शरीर फिट है। अब बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि मेरी उंगली में थोड़ी प्रॉब्लम है, या मेरे सफ़ेद दाग हैं, या मेरे कमर पे दाने हैं। देखिए ये छोटी मोटी दिक्कत से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसे उंगली बचपन में थोड़ी सी टूट गई थी और उसके बाद जुड़ गई, हल्की सी टेढ़ी है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इससे ये सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आज उस चीज़ से दिक्कत नहीं हो रही है। प्रॉब्लम इस बात से है कि आप इस बात को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं और डॉक्टर के सामने कितना कॉन्फिडेंटली आप इसको पेश कर रहे हैं। जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो है ही नहीं, आप दिमाग में क्यों रख रहे हैं मुझे प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम है तो इसका आप कमेंट में सोचें कि मैं आंसर दूंगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए, और दूसरी बात फाइनल डिसीजन डॉक्टर लेंगे। तो आपकी कोई भी बीमारी है, हम जस्ट डेमो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि इस तरीके से मेडिकल होता है, ये चीज़ चेक होती है, उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डॉक्टर पैनल होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे कमेंट पे मैं अपने विवेक से आंसर दूंगा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं फाइनल उसको बता रहा हूं कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम ठीक है या आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपको पता है हमारा मकसद जस्ट एक प्रोटोटाइप दिखाने का कि इस तरीके से मेडिकल होता है, फाइनल डॉक्टर ही एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। और दो तीन क्वेरी ऐसी हैं जैसे कि अगर किसी को छोटा मोटा टैटू बना हुआ है तो उस टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे नाम लिखा होना या ओम बना होना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो बुक है उसको, उससे अपने कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लीजिए। और अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो ये एक लाइलाज बीमारी है और इनहेरिटेड बीमारी है वंशानुगत, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अपने दुआओं में याद रखना टाइप करके और किस्मत आजमाने के लिए और मेडिकल देने चले जाना। और अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, एक बार वो बुक प्रैक्टिस करना आप, उसमें पता लग जाएगा, डॉक्टर बता देंगे। तो नहीं है तो नहीं है, फिर है ही नहीं, बात खत्म। और वेट का क्राइटेरिया, वेट बॉयज़ का हाइट के अकॉर्डिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, लेकिन गर्ल्स का वेट का क्राइटेरिया है जो कि मिनिमम 40 kg है। हाइट फिर चाहे कुछ भी हो, मिनिमम 40 kg होना चाहिए, मैक्सिमम गर्ल्स का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। और गर्ल्स का डाउट रहता है काफ़ी कि उनको मेडिकल कैसे होगा, तो उनका मेडिकल मैं बता दूँ, एक्सटर्नल पार्ट्स जो मैंने बताया, ईयर आइज टीथ, और कोई बोन ब्रेक नहीं है, और अभी लाइट चली गई है तो मैनेज कर लेना, और नॉकनी और फ्लैट प्लीट, ख़त्म। इंटरनल कोई चेकअप नहीं होता है, और बस गर्ल्स का बहुत ही इजी मेडिकल है, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। तो इसी के साथ ये मेडिकल की सीरीज आज ख़त्म होती है, और अगर फिर भी कोई क्वेरी ऐसी लगी जिसका मैं आंसर दे पाऊँ तो मैं आंसर दूंगा, अदरवाइज कमेंट का कोई आंसर नहीं आएगा। और करते रहिए देश की सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मेडिकल की सीरीज ख़त्म, आपके सारे डाउट्स यूपी पुलिस से रिलेटेड ये खत्म हो चुके हैं। अब जो भी मेडिकल की बनाएंगे हम यूपी, मतलब एसएससी सीपीओ या एसएससी जीडी से रिलेटेड बनाएंगे। यूपी पुलिस सीरीज खत्म, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।